कन्वर्जन की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं। यूं तो ये गैर कानूनी है और भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन ये कोई छिपा हुआ मुद्दा भी नहीं है। कभी जबरन तो कभी बेहद शातिर तरीके से हिंदू आबादी को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट करने का खेल इतिहास में खूब चला है। पहले इस्लामिक हमलावरों ने तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन का खेल खेला, उसके बाद अंग्रेजों के साथ ईसाई मिशनरियों ने। ईसाई मिशनरीज का धर्मांतरण का ये खेल अभी भी बंद नहीं हुआ है। टैक्टिक्स जरूर बदल गई हैं। अब हिंदू सिंबल्स और देवताओं का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही शातिराना तरीके से ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का ये खेल साउथ से लेकर पश्चिम और उत्तर भारत तक में चलाया जा रहा है। कैसे ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है धर्मांतरण का, देखिए आप। हिंदू देवताओं की छवियों के सहारे, लोकगीतों और प्रार्थना सभाओं के बहाने चल रहा है धर्म परिवर्तन का शातिर खेल। यह है मिशनरीज के ईसाइयत का अधर्म। खालिस देसी स्टाइल में भजन चल रहा है। भजन को सुनकर और साथ में हनुमान जी के गेटअप में खड़े इस शख्स को देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि भजन सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। भाषा भले न समझ में आए पर भाव भंगिमा और सुरताल के साथ ही बजरंगबली की उपस्थिति तो यही बता रही है हिंदू अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। पर आप हैरान हो सकते हैं ये जानकर कि ये भजन दरअसल ईशु का है और बड़े प्रेम भाव से हारमोनियम पर तान छेड़ के ईशु की प्रार्थना मुक्त कंठ से गाई जा रही है। तो सवाल जो जहन में आता है वो ये कि प्रभु यीशु के भजन में हनुमान जी का क्या काम। दरअसल ये भजन नहीं खेल है, धर्म प्रचार का नहीं बल्कि ईसाइयत के अधर्म का, जिसमें राम भक्त हनुमान की उपस्थिति दरअसल एक टैक्टिस है हिंदुओं को आकर्षित करने की और उनका ब्रेन वॉश करने की। देश के दूरदराज के गांवों और कस्बों में ईसाई मिशनरीज के धर्मांतरण का गोरख धंधा बड़े ही सधे और शातिर तरीके से चल रहा है। इसमें हिंदू सिंबल्स और देवताओं की छवि का इस्तेमाल होता है, जिसके पीछे मकसद होता है क्रिश्चियन सभाओं से हिंदुओं को जोड़ना, और ऐसा ही काम सोशल मीडिया पर भी बखूबी किया जा रहा है। ईसाई मिशनरीज का धर्मांतरण का यह खेल बड़े सॉफ्ट तरीके से चलता है और इसमें मददगार होते हैं हिंदू सिंबल्स और देवी देवता, जिनके जरिए दरअसल यीशु की एंट्री एक भगवान के तौर पर हिंदुओं के घरों में कराई जाने की योजना तैयार की जाती है। मिशनरीज की एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी है जो ग्रामीण इलाकों और कस्बों में बखूबी आजमाई जा रही है। इसमें पहला कदम होता है यीशु को हिंदू धर्म के देवताओं से जोड़ना, धर्म की रक्षा के लिए यीशु को अवतार बताना, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा ही एक भगवान बताना, परमेश्वर का सच्चा अंश बताते हुए यीशु को सर्वाधिक शक्तिशाली बताना और फिर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना। अगर गूगल करेंगे तो ईसाई मिशनरीज का ये शातिर खेल पता चलता है, जिसमें यीशु को हिंदू देवताओं के रूपों के साथ मिलाकर पेश किया जाता है, जैसे कि इस तस्वीर में देखिए, जिसमें यीशु को भगवान विष्णु, शिव, गणेश और श्री कृष्ण के साथ दिखाया गया है। लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल दांव भी है। इस तस्वीर में यीशु को इन देवताओं से ऊपर रखा गया है, यानी सबसे ऊपर यीशु। ईसाई मिशनरीज बड़े शातिर तरीके से लोकगीतों, लोक परंपराओं और लोक मान्यताओं के सहारे अधर्म का ये खेल चला रही है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे इलाके का है। यीशु की प्रार्थना के साथ ही हनुमान की उपस्थिति लेकर ये ग्रुप बड़ी आसानी से हिंदू आबादी में घुसता है। हिंदू सिंबल, हिंदू देवता, हिंदू स्टाइल में भजन और हिंदू प्रार्थना के शब्दों के जरिए कोशिश ये होती है कि लोग धर्म परिवर्तन के टारगेट को न समझ सके, लोगों को लगे कि बात सर्वधर्म संभाव की है। लेकिन असल मुद्दा होता है ईसाइयत को बढ़ाना, हिंदू घरों में यीशु की एंट्री कराना। कैसे, इस छोटी सी बच्ची से सुनिए। நாங்க அவங்க சொன்னாங்க பைபிள்லாம் படிங்க என்ன, நாங்கள் சொன்னோம் நாங்கள் ஹிந்துஸ், நாங்கள் பகவத்கீதை தான் படிப்போம். நாங்கள் சொன்னாங்க பகவத்கீதை கெட்டது, பைபிள் நிறைய கருத்து அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது, அதை படிக்க என்ன சொன்னாங்க। तो भगवत गीता की आलोचना करने वाले मिशनरीज का ये पैतरा भी देखिए, जिसमें भगवत गीता के योग की तरह ही यीशु के योग को दिखाया गया है, उन्हें कृष्ण की तरह ही योगी बताया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्म के चुनाव का अधिकार किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन किसी की बेबसी और लाचारी का फायदा उठाकर या ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन करवाना जायज है।
सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें और वीडियोज हैं जिसमें यीशु को हिंदू सिंबल्स और देवताओं के साथ दिखाकर उनको पूजने की बात कही जा रही है। सनातन धर्म की परंपरा के तर्ज पर ही ईसाई मिशनरीज कभी यीशु को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाती हैं, कभी हिंदू धर्म के ओंकार के साथ दिखाती हैं, तो कभी गौतम बुद्ध जैसा बताती हैं। यहाँ तक कि कृष्ण के रूप में यीशु को भी उसी आभा मंडल के साथ दिखाया जाता है। भारत के हिंदुओं को भी सजग रहना पड़ेगा, साथ ही साथ जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको भी इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि बैरूपीय के बेस में एक तरफ इस्लामिक जिहादी भगवा धारण करके और छुरी लेकर के मंदिरों में घुस रहे हैं, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं और उस स्थान की रैखी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई मिश्रणियाँ भेष बदल करके निर्दोष या कहें भोले वाले हिंदुओं को फंसाने के प्रपंच रच रही हैं। इस पर विराम लगना चाहिए, अन्यथा तो विश्व हिंदू परिषद इस मामले को बहुत गहनता के साथ सीरियसली ले रहा है, शासन प्रशासन इसको गंभीरता से ले। लोक गीतों में भजन मंडलियां बनाकर पहले ग्रामीण इलाकों में ऐसी प्रार्थना सभाएं होती हैं जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं शामिल होती हैं। फिर अंधविश्वासों और चमत्कारों की कहानियां गढ़कर ईसाई बनाने का खेल चलता है। टीम न्यूज नेशन। धर्म परिवर्तन के इस घोरक धंधे को बड़े ही महीन तरीके से अंजाम दिया जाता है, जिसमें आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर पिछड़े और परेशान लोगों को टारगेट किया जाता है। बीमारियों को भूत प्रेत का प्रकोप बताकर ईसाई मिशनरीज उन्हें ठीक करने का दावा करती हैं। फिर ऐसे परिवारों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, मिशनरीज पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराती हैं। मिशनरीज के निशाने पर एससी और ट्राइब्स कम्युनिटी से जुड़े लोग होते हैं, जिनके हिंदू नामों को जैसे का तैसा रखकर धर्म परिवर्तन का खेल होता है, ताकि किसी को इस कन्वर्जन का पता न चले और आरक्षण का लाभ भी मिलता रहे। शैतान छोड़ इसके शरीर को, निकल बाहर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में तेरे पांव बंध जाएं। कितने हैं तुझमें? जब अधर्म का भूत सिर पर चढ़ता है तब अपनी जैसा बना देने की सनक पैदा होती है और फिर चलता है कन्वर्जन का गोरक धंधा। देश के कई राज्यों में बड़े महीन तरीके से ईसाईयत के अधर्म का खेल चल रहा है और समझना मुश्किल नहीं कि ईसाई मिशनरीज के निशाने पर कौन है। अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे तो इन तस्वीरों को देखिए जरा। सनातनी सिंबल ओम के साथ यीशु, ध्यान की मुद्रा में बैठे यीशु, गौतम बुद्ध के भेष में यीशु, श्री कृष्ण के रूप में यीशु और तो और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ यीशु। दरअसल हिंदू सिंबल और देवताओं के इस्तेमाल के पीछे मकसद है हिंदुओं के आराध्य के बीच यीशु की एंट्री कराना। सोशल मीडिया से लेकर ग्रामीण इलाकों और कस्बों में मिशनरीज का धन परिवर्तन का ये धंधा बखूबी चल रहा है। फ्रॉड और धूर्त नाटकबाजी के जरिए परेशान लोगों की पारंपरिक धार्मिक भावनाओं को न सिर्फ खंडित किया जाता है बल्कि चालबाजी के साथ धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई भी बना दिया जाता है। पंजाब हरियाणा में ईसाई मिशनरीज की पैठ बढ़ी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के 12,000 गांव में से 8,000 गांव में ईसाई धर्म की समितियां हैं। अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 4 ईसाई समुदायों के 600 से 700 चर्च हैं। इनमें से 60 से 70% पिछले 5 सालों में अस्तित्व में आए हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक पंजाब में सिखों की आबादी में 2% की कमी आई है, जबकि क्रिश्चियंस की आबादी 2% बढ़ी है। लेकिन बात सिर्फ पंजाब या हरियाणा की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक के दूर दराज के इलाकों में बड़े सधे तरीके से भूत प्रेत भगाने के नाम पर, गरीबी मिटाने के नाम पर, परेशानियों को दूर करने का लालच देकर झूठे चमत्कारों के जरिए मिशनरी गुरु घंटाल कन्वर्जन का जाल फैला रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, लेके आओ उसको, वो देखो क्या हो रहा है, दूर से होली घोस्ट फायर, बम इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में तेरे पांव बंध जाएं। कितने हैं तुझमें? 30। ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन के इस खेल में सांस्कृतिक और पारंपरिक रास्तों के सहारे आगे बढ़ती हैं, जिसमें लोकगीत में यीशु की प्रार्थना की जाती है, देवताओं के साथ यीशु को दिखाया जाता है, हिंदू चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीधे तौर पर कोई विरोध न हो या लोग सचेत न हो जाए। इसके बाद शुरू होता है अंधविश्वास, चमत्कारों और भूत प्रेत भगाने का पाखंड। चले तू
धर्म के नाम पर जितने गोरख धंधे चलते हैं उसमें ईसाई मिशनरियों का गोरख धंधा भी कम नहीं है। सनातनियों को अंधविश्वासी बताकर कौन सा वैज्ञानिक धर्म लोगों का ब्रेन वॉश कर उतारा जा रहा है, ये तस्वीरें इसकी वानगी है। किसी की बीमारी दूर करने का दावा, किसी का भूत उतारने का छल, किसी की किस्मत पलट देने का जाल, तो किसी के बच्चे को मौत के मुंह से निकालने का स्वाद। भावनाओं, संवेदनाओं और भ्रम का ये वो खेल है जो बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिश्चियन मिशनरी अपने पाखंडी अभियान में खेल रही हैं और टारगेट पर हैं हिंदू धर्म से जुड़ी आर्थिक रूप से कमजोर, बीमारी से परेशान और साइकोलॉजिकल कंडीशंस की शिकार आबादी। धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन की मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल साफ और सधी हुई है। इसमें अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों को टारगेट किया जाता है, आदिवासी आबादी को टारगेट किया जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, बीमारी से परेशान लोग, ग्रामीण इलाकों के लोग, भूत प्रेत का अंधविश्वास फैलाकर फंसाए गए लोग इनके निशाने पर होते हैं। मिशनरीज बड़े सधे तरीके से भूत प्रेत भगाने, गरीबी मिटाने और परेशानियों को दूर करने का लालच देकर झूठे चमत्कारों के जरिए कन्वर्जन का जाल फैला रही है। तो भोजपुरी गीतों से लेकर YouTube पर आपको ईसाई गिद्दा, टप्पे और बोलियां सब मिल जाएंगे। इससे लोकल स्तर पर मिशनरीज के कन्वर्जन की मॉडस ऑपरेंडी को समझा जा सकता है। सवाल धार्मिक मान्यताओं का नहीं है, बल्कि मासूम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों से डराकर, उनके धर्म को छोटा बताकर या फिर पैसों का लालच देकर किए जाने वाले धूर्त कन्वर्जन से है। अगर ऐसा है तो जरूरी है ऐसे गुरु घंटालों पर कार्रवाई हो। टीम न्यूज़ नेशन।